नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई में कूदे डिप्टी सीएम सुशील मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हैदराबाद घटना पर सदन की तरफ से जताया दुख। अयोध्या मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। झारखंड चुनाव में अमित शाह का वादा, आदिवासियों दलितों का आरक्षण कम किए बिना ओबीसी कोटा बढ़ाएंगे। हैदराबाद रेप केस में संसद में बोली जया बच्चन, ऐसा करने वालों की हो सार्वजनिक लिंचिंग। केंद्रीय स्कूल के लिए जमीन नहीं दिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच छिड़ी लड़ाई में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी ट्विटर पर तलवार लेकर कूद पड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब वो सारे मामले को सुशील मोदी के दरवाजे पर खड़े होकर बताएंगे, बस शर्त इतनी है कि दरवाजा बंद नहीं किया जाए। बिहार में केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर पिछले दिनों अनशन पर बैठे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के बीच ट्विटर वार छिड़ गया है। बिहार के औरंगाबाद और नवादा में केंद्रीय विद्यालय खोलने और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उपेंद्र कुशवाहा अनशन पर बैठे थे, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर उपेंद्र कुशवाहा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हैदराबाद में हुई घटना के बाद अपना दुख जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दल के सदस्यों ने मुझे अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। ऐसी घटनाएं और अपराध हमें चिंतित भी करते हैं और आहत भी करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य में अगर ऐसी घटना होती है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं की किसी भी राज्य में पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सदन चिंतित है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर से कठोर कानून बनाए गए हैं। आवश्यकता होगी तो सदन की सहमति से पूर्ण विचार भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सदन के सभी सदस्य एक स्वर में इस घटना की निंदा करते हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद रशीदी ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण विचार याचिका दाखिल की है। 217 पन्ने की याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने माना है कि वहां नमाज होती थी, फिर भी मुसलमानों को बाहर कर दिया। याचिका में कहा गया है कि 1949 में अवैध तरीके से इमारत में मूर्ति रखी गई थी, फिर भी रामलला को पूरी जगह दी गई। पूर्ण विचार याचिका अयोध्या मामले में मूल वादकारियों में शामिल एम सिद्दीकी के कानूनी वारिस मौलाना सैयद अरशद रशीदी ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने पक्षकारों को राहत के मामले में संतुलन बनाने का प्रयास किया है। हिंदू पक्षकारों की अवैधताओं को माफ किया गया है और मुस्लिम पक्षवारों को वैकल्पिक रूप में 5 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है, जिसका अनुरोध किसी भी मुस्लिम पक्षकार ने नहीं किया था। पूर्ण विचार याचिका में उन्होंने कहा कि इस तथ्य पर गौर किया जाए कि याचिकाकर्ता ने संपूर्ण फैसले को चुनौती नहीं दी है। केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड में वादा किया है कि आदिवासियों दलितों का आरक्षण कम किए बिना ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एनआरसी का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा, देश और झारखंड से घुसपैठिए बाहर जाने चाहिए या नहीं, लेकिन राहुल बावा कहते हैं कि इन्हें मत निकालो, ये कहां जाएंगे, क्या खाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 से पहले ही हम पूरे देश से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाल कर बाहर करेंगे। ध्यान रहे कि राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के सिलसिले में झारखंड में हैं। हैदराबाद गैंग रेप कांड को लेकर हर कोई गुस्से में नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि अगर आप सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, तो निर्णय जनता को लेने दें। जिन लोगों ने भी ये किया है उनको लोगों के हवाले कर देना चाहिए, उनकी सार्वजनिक तौर पर लिंचिंग करनी चाहिए। जो लोग सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे और जिन्होंने अपराध किया है उनको सबके सामने लाना चाहिए। जया बच्चन ने कहा कि ऐसे मामलों पर मैं पता नहीं कितने बार बोल चुकी हूँ,
सरकार को अब कार्रवाई करनी चाहिए। एक दिन पहले ही हैदराबाद में उसी जगह हादसा हुआ था। कुछ देशों में जनता दोषियों को सजा देती है, दोषियों को अब जनता ही सबक सिखाए। I don't know how many times I've stood and I've spoken on this kind of an atyachar. I think it's time, whether it's Nirbhaya, whether it's Kathua, or whether whatever happened in Hyderabad, I think the people now want the government to give a proper answer and a very definite answer. What has happened, how they have tackled it, and how far the justice has been done to these people. सर मैं मुझे ये लगता है कि ये जो घटना हैदराबाद में हुई उसके पहले दिन भी उसी जगह एक हादसा हुआ। क्या वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, आपको भी पता है, डू यू नॉट थिंक दैट दे शुड बी आंसर्ड, दे शुड बी क्वेश्चन्ड एंड दे शुड बी आस्क्ड टू गिव एन आंसर व्हाई दे वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट दैट एरिया, जहाँ पहले भी एक चीज एक दिन पहले हादसा हो चुका था। सर आई थिंक दैट दीज पीपल नेम नीड टू बी शेम्ड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कंट्री, पीपल हु हैव नॉट डन देयर जॉब्स प्रॉपरली, द ऑफ कोर्स द गाइज हु हैव कमिटेड द क्राइम डेफिनेटली। अगर ऐसा इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड प्रॉपर्ली।